हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू ही लाइव ब्लड प्रेशर सीरीज नंबर 5। आज हम हाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से और कुछ प्रॉप्स यूज करके, जैसे कि आप बोलस्टर यूज कर सकते हैं, मेडिटेशनल ब्रिक यूज कर सकते हैं, तो इन सबको यूज करते हुए हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो कुछ आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और शेर के पंजे की तरह एक एक उंगली को जॉइंट्स को स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे आपको मुट्ठी बनानी है और 5 तक काउंटिंग करके आपको मुट्ठी बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 की काउंटिंग में आपको बंद करके रखना है। 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे धीरे 10 की काउंटिंग में आपको मुट्ठी खोलनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से आपको इसको 5 टाइम्स करना है। 5 की काउंटिंग में मुट्ठी को बंद करना है, 5 की काउंटिंग मुट्ठी को बंद करके रखना है और 10 की काउंटिंग में आपको मुट्ठी को धीरे धीरे खोलना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में हमें समय कम लेना है और रिलैक्सेशन में समय हमें ज्यादा रखना है। इसको करते हुए अपने हाथों को टाइट रखना है, कंधों को पीछे खींच के रखना है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। इस पिंडलियों की एक्सरसाइज के अंदर हमारी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, ब्लड का फ्लो आसानी से ब्रेन की तरफ होने लगता है, ऑक्सीजनेशन में स्मूथनेस आती है, काफ मसल कोऑर्डिनेट विद हार्ट एंड हार्ट कोऑर्डिनेट विद ब्रेन, इससे ब्रेन में ब्लड की कमी नहीं होती है। लेटे लेटे काफ मसल की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा देर खड़ा होना या बैठना पड़ जाए तो भी काफ मसल की एक्सरसाइज करते रहो। रात को 3 से 5 बजे 3 AM to 5 AM ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। उस समय पानी पीकर, यदि आपकी आंखें खुल जाती हैं तो पानी पिए और ये काफ मसल की एक्सरसाइज लेटे लेटे भी कर सकते हैं और खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए हमें और फिर आप राइट पैर की करें। कॉन्ट्रैक्शन कम करें, यानी कि उसको जो हम स्ट्रेस करते हैं अपनी पिंडली को अंदर की तरफ, वो कम करना है और रिलैक्सेशन ज़्यादा देर करना है। तो आप देखेंगे कि यदि आप इस एक्सरसाइज को हफ्ते भर भी करते हैं, दिन में 2 से 3 बार करते हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए एड़ी पंजे को मिलाएंगे और दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अपने अंगूठों को भी टच करेंगे और ऊपर जाके अपने हथेलियों को स्ट्रेच करेंगे। अपनी कोहनियों से कान को दबाएंगे और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। अपनी एड़ियों को नीचे लाएंगे लेकिन जमीन से नहीं लगाएंगे, फिर एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। हाथों का स्ट्रेच कम नहीं होने देंगे, फिर अपनी एड़ियों को नीचे लाएंगे और फिर ऊपर उठा लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है 5 टाइम्स। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए आप इस तरीके से दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे, राइट पैर को मोड़ते हुए इसकी आउटलाइन इस तरीके से आएगी और फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और इस समय पे आपके घुटने आगे से मिले हुए हैं और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए हैं और जो एड़ियां हैं वो खुली हुई हैं।
जो लोग घुटने की दिक्कत की वजह से वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो लोग बोस्टर का सहारा ले सकते हैं। तो आप बोस्टर को अपने इस तरीके से पैरों के ऊपर रख के आप ऐसे बैठ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके घुटने में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और आप वज्रासन में बैठ पाएंगे। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप दो बोस्टर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप घुटने में बहुत ज्यादा पेन है आपको तो आप दो बोस्टर लगा के इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठने से हमारी जो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वज्रासन एक बहुत अच्छा आसन है कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। करेंगे शिशुआसन। शिशुआसन में हमें पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर ले जाके और श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर पिचकाते हुए हमें धीरे धीरे आगे झुकना शुरू करना है। लोअर बैक से कोशिश करनी है कि जो हमारे हिप्स है वो पीछे की तरफ रहें और रीढ़ जमीन के पैरेलल हो जाए। जब हम जमीन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो आप एक मुट्ठी पे दूसरी मुट्ठी को रख के अपने माथे को उसके ऊपर रख सकते हैं। या फिर आप इस ब्रिक का सहारा ले सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल है और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और इस पोजीशन में जाके बिल्कुल स्टेबल हो जाए। वापस आने के लिए अपनी चीन को दबाते हुए धीरे धीरे श्वास भर के वापस आएंगे। नेक्स्ट आसन रहेगा पश्चिमोत्तानासन। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे आगे लाते हुए दंडासन में बैठेंगे। और इसके लिए आप पोस्टर का फिर से सहारा ले सकते हैं। हमने एक पोस्टर ऐसे रखा सीधा और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले गए और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। इसमें आपको अपने पंजों को तानने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। पंजों को बिल्कुल आपको स्टेबल रखना है सेंटर में और धीरे धीरे आप पंजों को हल्का सा टच कर सकते हैं तो ठीक है। यहाँ पे हाथ रख के भी आप बैठ सकते हैं और अपने इस तरीके से आपको करना है। लोअर बैक से आपको झुकना है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक और बोस्टर का यहाँ पे सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो भी आप इसको कर सकते हैं। इससे काफी हमारा जो स्ट्रेस है वो रिमूव होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और साइड से हाथों को नीचे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आसन रहेगा चेयर शवासन। चेयर शवासन के लिए हमें एक चेयर की नीड है। आपने एक चेयर रख ली यहाँ पे और उसके बाद जो इसके लेग्स हैं उसके साथ अपने हिप्स को लगा दे और अपने पैरों को चेयर के ऊपर रख ले और लेट जाए। इससे हमारा स्ट्रेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आप इसमें 5 से 10 मिनट तक आराम कर सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। राइट करवट लेते हुए उठ बैठेंगे। अब हम करेंगे वॉल शवासन। वॉल शवासन करने के लिए वी नीड अ वॉल। ये हमारे पास एक वॉल है। हम अपने हिप्स को वॉल के साथ लगाकर और अपनी टांगों को ऊपर करेंगे। अपने हिप्स को लगाए दीवार के साथ और धीरे धीरे अपनी टांगों को ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा सरक कर अपने हिप्स को फिर से लगा लें। जब आपके हिप्स बिल्कुल लग जाए आपको ऐसा महसूस कर लें कि आपको अपने हिप्स जैसे आपकी स्कर्टिंग ऊंची होती है तो हमें अपने हिप्स दीवार पे चढ़ानी है, ऐसा महसूस करेंगे। उसके बाद अपने पंजे को श्वास भर के आगे ऊपर की तरफ उतारेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी तरफ।
राइट पैर को नीचे लाएंगे, लेफ्ट पैर को नीचे लाएंगे, क्रॉस लेग करेंगे, एंटी क्रॉस लेग करेंगे। आप फिर सीधे कर सकते हैं, और यदि आपसे बिल्कुल भी ना हो पाए तो आप अपने हिप्स के नीचे यहाँ पे बोस्चर भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आने के लिए पैरों को नीचे लाते हुए राइट करवट से उठ बैठेंगे। इस तरीके से आप हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आसन, प्राणायाम, बोस्टर की टेक्निक से, ब्रिक की टेक्निक से कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।